तो जैसे आपको पता ही था कि मेरा जो है ये है पेडल का जो पूरा बेयरिंग्स निकल गया था ये देखो, तो मैं इसलिए मैं उसका पूरा नया सेट लाया था सब, इसका बॉटल होल्डर का और लॉक जो यहाँ पे माउंट होता है इजीली, तो मुझे फिर से वो कैरी नहीं पर करना पड़ेगा अलग से, तो मैं यहीं से इसको डायरेक्ट माउंट कर दूंगा यहाँ पे। तो ये पेडल भी टूट गया, ये बॉटल होल्डर भी नहीं है ना, लॉक नहीं है, तो चलो इसको तीनों को इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो चलो, तो मैं इसीलिए ये बॉटल होल्डर लेके आया था ऑनलाइन, ऑनलाइन तो नहीं मंगवाया मैंने, इसको ऑफलाइन ही ले लिया था, जाके दुकान में ख़रीद लिया। ये बॉटल होल्डर है मेरे पास और ये माउंट का जो है ये लॉक है मेरे पास, जो ये है जो इजीली माउंट हो जाता है वहाँ पे, मैं दिखा दूँगा कैसे होता है। तो इसके बाद मुझे ये पेडल्स मिला था, 150 रुपीज़ का पेयर एक्चुअली, और इसका जो 100 रुपये और इसका 200, तो सब मिला के कुछ हो गए थे 450 तक। तो शायद इसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता 200 है कि उससे ज़्यादा है, मुझे डाउट है इसका। तो और हमारे पास थोड़े टूल्स भी हैं यहाँ पे इंस्टॉल करने के लिए, तो चलो जल्दी इसको इंस्टॉल कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए, तो ये रहा इसका बॉटल का होल्डर का स्क्रूज, जल्दी से खोल लेते हैं हम। तो चलो, तो इसको सेट करने के बाद मैं दिखाता हूँ ये कैसा लगेगा, तो सेट करके दिखाता हूँ। तो फाइनली लग गया यहाँ पे ये जो स्क्रू है यहाँ पे, ये स्क्रू और इसको खोल के हमें लगाना पड़ता है इसको, तो ज़्यादा मुझे मेहनत नहीं करना पड़ा, तो फाइनली ये ठीक से लग गया है। अब चलो इसका जो लगाते हैं उसका है जो यहाँ पे लॉक लगाते हैं क्लिप ऑन का, जो वहाँ पे पड़ा है नीचे मैंने वहाँ पे फेंक दिया उसको, अब इसको लेके आके मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे ये स्टिकर गया पता नहीं क्या होगा, इस स्टिकर के ऊपर ही लगाऊंगा मैं। तो चलो इसको भी मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने इसको पूरा खोल लिया है यहाँ पे, बस अब इसको लगाने की देरी है, तो चलो इसको लगा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं एक्चुअली इसको ना लॉक को यहाँ पे लगाना चाह रहा था, पर यहाँ पे तो लग नहीं पा रहा है क्योंकि इसकी वजह से, तो मैं इसकी वजह से लगा रहा हूँ, तो ये मुझे बहुत मोटा हो रहा है, फिर भी वो मैं स्क्रूज़ को टाइट नहीं कर पा रहा था, तो मैं इसको सीट के नीचे लगा दिया एक्चुअली। तो ये भी एक जगह भी ठीक ही है, यहाँ पर थोड़ा सेफ़ रहेगा यहाँ पर नीचे लग के भी, तो मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। तो बस इसको फंक्शन, इसको आपको यहाँ दबा के ऊपर खींचो तो ये हाथ में आ जाएगा, और वापस आपको लगाना है तो बस ये थोड़ा आपको दबाना पड़ेगा इसको, जैसे कि वो टक बोल के आवाज़ आएगा इसका मतलब ये लॉक हो चुका है, अभी ये निकलेगा नहीं कुछ भी करो तो, निकलेगा ही नहीं जब तक इसको प्रेस नहीं करोगे। तो फाइनली यहाँ पे लग गया, बस अभी अभी बारी है पेडल लगाने का, पेडल्स को लगा लेते हैं अभी जल्दी। तो ये है हमारा पेडल भाई साहब, ये है, तो हम इससे खोलेंगे इसको पापा के आर्मी नाइफ से, चलो इसको खोल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं फाइनली इसको मैंने निकाल लिया है कवर से, पर मुझे इन दोनों के मुकाबले ना ये थोड़ा बहुत हैवी लग रहा है, और इसका जो प्लास्टिक भी है थोड़ा हार्ड प्लास्टिक लग रहा है मुझे, अच्छा ही लगा एक्चुअली। तो क्या लिखा है इसके ऊपर, बोगहल। तो ये जो क्वालिटी है ये थोड़ा चीप है, पर ये इतना अच्छा तो नहीं लगा मुझे, पर ये बहुत हैवी भी है और थोड़ा इसके ऊपर जो है ग्रिप भी ठीक ही है, देखो देख सकते हो ग्रिप शूज़ के ऊपर करेक्ट चिपकेंगे ये, तो आई डोंट थिंक ये स्लिप होगा, अच्छा ही है। तो चलो इसको लगा लेते हैं अभी फटाफट। अबे यार, मैं इसका तो ठीक से मैंने खोल लिया, ये देखो यहाँ पे रखा है, और जब मैं इस तरफ का खोलने गया तो ये पाना ही टूट गया यार, पता नहीं उसका दूसरा पीस तो मुझे कहीं मिल नहीं रहा, पर इसका एक का निकल गया पर दूसरा का रह गया, और ऊपर से ये टूट भी गया। कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा है अल्टरनेट का, ये देखो मुझे ये साइकिल के साथ ही मिला था, तो मैं अभी इसी से काम चलाऊंगा, इसी से ही खोलूंगा अब इसको मैं। तो फाइनली लग गया है पेडल हमारा, और इस तरफ का भी लग गया है, तो हमने बॉटल होल्डर भी लगा लिया और इसका एक लॉक भी लगा लिया। तो अभी ओवरऑल जो इसका लुक है वो अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि सब कुछ थोड़ा नया नया डाला है, तो बॉटल होल्डर तो लग गया फाइनली, और पानी का बहुत ज़रूरत है ना, राइड पर जाता हो तो प्यास बहुत लगती है, तो बॉटल अब खुद कैरी करूँगा अब। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो पे, तो जब तक के लिए बाय बाय।